नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएसआर टाइम्स। मैं आपके साथ प्रज्ञा शर्मा। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर रूस के बड़े पैमाने पर टैंक और युद्धपोत तैनात करने के बाद अब यूरोप में जंग का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच रूसी चुनौती का जवाब देने के लिए अमेरिका भी कमर कस चुका है। अगले कुछ सप्ताह में अपने युद्धपोत काला सागर में तैनात करने पर विचार कर रहा है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत आज शुरू हो रही है। 11वें दौर की बातचीत पूर्वी लद्दाख के जश्न में होगी। इस बातचीत के एजेंडे के तहत गोगरा और हॉट स्प्रिंग से दोनों सेनाओं के पीछे हटने और डेमसोंग के जुड़े मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे। अवंतीपुरा के त्राल में मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार में पूर्व मध्य रेल की ओर से ट्रेन नंबर 1-2-3-1-7 और 1-2-3-1-8 कोलकाता अमृतसर एक्सप्रेस को सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। रेलवे द्वारा इस ट्रेन को अब गाड़ी नंबर 2-3-1-7 और 2-3-1-8 के अनुसार चलाया जाएगा। यह ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलेगी। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 1,31,878 लोग संक्रमित पाए गए। इसके पहले बुधवार को देश में सबसे ज्यादा 1,26,276 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। भारत में 9 अप्रैल सुबह 7 बजे तक 24 घंटे में 36.91 लाख डोज दिए गए। इसमें 32.85 लाख लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया। वहीं 4.6 लाख लोगों ने वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। चुनाव आयोग के नोटिस जारी करने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तेवर सख्त हो गए हैं। उन्होंने गुरुवार को हावड़ा जिले के दोमजूर में चुनाव प्रचार किया। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग चाहे 10 नोटिस जारी कर दे, वे अपने बयान पर कायम हैं। आईपीएल के 14वें सीजन का आगाज आज से होने जा रहा है। पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा है, वहीं बेंगलुरु की कमान विराट कोहली के हाथों में है। इंडियन और 2.0 जैसी साउथ इंडियन फिल्मों के मेकर्स शंकर की अगली फिल्म आरती 15 में बॉलीवुड की सुपरस्टार सलमान खान अहम भूमिका निभाएंगे। यह एक सख्त पुलिस अधिकारी का रोल। मामूली गिरावट के साथ खुले सेंसेक्स में 100 अंकों का उतार चढ़ाव। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर में 11% का उछाल। अभी तक के लिए खबरों में सिर्फ इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए जेएसआर टाइम्स के साथ। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।